बच्चों आप सेक्सुअल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले आपने जो वीडियोस देखे उसमें जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो आपकी डिमांड पे था, समाकलनों के अनुप्रयोग पे आधारित क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगा कि आपको वीडियो अच्छे लगेंगे, लेकिन मुझे लगा कुछ बच्चे ही बहुत कायदे से उसे देख रहे हैं, ज़्यादा लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा कारण क्या है और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है या उसमें जो क्वेश्चन का जो तरीका बता रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर आपको क्वेश्चन अगर वीडियो समझ में मतलब जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फिर उसे पूरा देखिए, आधा अधूरा वीडियो कतई ना देखिए। आधे अधूरे से आधी अधूरी जानकारी होगी आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, या तो बताइए कि हम अपना पढ़ाना ही बंद कर दें। तो अगर अब जैसा आपको लग रहा है कि देखना है तो पूरा वीडियो देखिए। तो आधा अधूरा वीडियो देखने से आधी अधूरी जानकारी होती है, तो आप जानते हैं जैसे कहते हैं अधजल गगरी छिलका जाए, भरी गरिया चुप में जाए, है ना। तो अब जो आज हम चैप्टर लेने वाले हैं वो है अवकल समीकरण। करीब आपको बोर्ड एग्जाम में इससे 14 या 15 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑप्शनल भी होंगे उसमें से कुछ। तो अगर आप इसे कायदे से अगर पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर से आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इक्वेशंस हैं, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण आप जानते हैं कि अवकल समीकरण होता क्या है। एक ऐसा समीकरण, तो इसकी अगर हम देखें अगर परिभाषा के रूप में, तो परिभाषा होती क्या है, कहते हैं वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर कमा परतंत्र चर और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर की सापेक्ष, पर जिसमें एक स्वतंत्र पद होगा, एक परतंत्र चर होगा और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है। तो अवकल समीकरण कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा चर जिसमें, नहीं, एक ऐसा समीकरण जिसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे नाम लिखे हुए हैं, कहा गया एक स्वतंत्र चर होगा, एक परतंत्र चर होगा और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक। क्लियर हुआ मतलब? या फिर ऐसे कह सकते हैं स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक, ऐसे भी कह सकते हैं, या परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक। जैसे मान लेते हैं कि एक हमने समीकरण लिखी y बराबर fx, तो इसमें जो x है ये क्या है, ये है स्वतंत्र, ये स्वतंत्र चर है और y जो है ये परतंत्र चर है, परतंत्र चर। अच्छा आप ये सोचेंगे, अच्छा ये स्वतंत्र क्यों और ये परतंत्र क्यों? तो आप ये समझिए, यहां पर हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x का कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन y का कोई भी मान नहीं ले सकते, कोई भी मान नहीं ले सकते। जब x का जैसे मान लेते हैं, जैसे y बराबर
मान लेते हैं समीकरण दिए 2x + 5 ऐसे लिखा हुआ है, अगर हम x का मान मान लेते हैं 1 मान लिया हमने, तो y का मान क्या आएगा, y का मान कितना होगा, तो 2 × 1 + 5 मतलब ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 5 = 7। अगर y का मान यहाँ पर हम 2 मान लें, सॉरी x का मान, तो ये होगा 2 × 2 + 5, तो 2 × 2 = 4 और 5 कितना होगा 9। तो y परतंत्र है, क्यों, क्योंकि वो x के अधीन है, x के मान के हिसाब से y का मान बदलता रहेगा, उसे कह उस इसी कारण इसे कहते हैं परतंत्र चर। तो y हुआ परतंत्र चर, x हुआ स्वतंत्र चर, और अभी कहा गया है परतंत्र चर का, परतंत्र चर मतलब y का, परतंत्र चर को y लिखा है, तो y का स्वतंत्र चर मतलब x के सापेक्ष सापेक्ष अवकल गुणांक। क्लियर हुआ, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक जिसे कहते हैं dy/dx, मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर मतलब x हो, एक परतंत्र चर मतलब उसका परतंत्र y हो, और y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक मतलब dy/dx हो, तो इन सभी को मिला के जो समीकरण बनेगा उसे कहते हैं अवकल समीकरण। क्लियर हुआ, अवकल समीकरण समझ गए होंगे आप लोग कि अवकल समीकरण होता क्या है। तो जैसा एक एग्जाम्पल इसका लिखें, तो इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि dy/dx = 2x - 1, ये एक अवकल समीकरण है। क्लियर हुआ, जैसे एक दूसरा उदाहरण ले लें कि अब आप इसमें सोच रहे हैं अरे y तो है ही नहीं, y है, y यहाँ है, तो dy/dx में एक y पद है और ये अवकल गुणांक भी पूरा है। अब जैसे दूसरा एक क्वेश्चन ले लें, इसका उदाहरण ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल है इसके उदाहरण, तो जैसे ले लेते हैं x (dy/dx + y - 3 = 0। क्लियर हुआ, अब तो समझ में आ रहा होगा, तो इसमें x भी है, y भी है और dy/dx भी है। क्लियर हुआ, अब इसमें 3 से कोई खास मतलब नहीं है, ये तो अचर पद है। क्लियर हुआ, या इस तरीके से लिखते हैं इसे कि d² (y/dx² + dy/dx + x + y = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक अवकल समीकरण है, बस अंतर ये है कि ये एक कोटि का है, ये एक कोटि का है और ये दो कोटि का है, ये भी समझ में आ जाएगी कोटि क्या होता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि अवकल समीकरण होते कितने प्रकार के हैं, अवकल समीकरण के प्रकार क्या होते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठे और परिभाषा जो इसमें हमने लिखी है अवकल समीकरण की उसे जरूर नोट कर लें, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है अवकल समीकरण कहलाता है। और ये उसके हमने 3 लगभग उदाहरण दे दिए हैं और ज्यादा कुछ खास जरूरत नहीं है। या जैसे एक और लिख सकते हैं जैसे dy/dx = x sin x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक अवकल समीकरण है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, अब बात करेंगे कि अवकल समीकरण जो है उसके प्रकार क्या है। आप लोग जानते होंगे अवकल समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपने एक ही के बारे में सुना होगा, अवकल समीकरण की प्रकार। तो अवकल समीकरण के जो प्रकार हैं वो होते हैं 2, मतलब लिखते हैं कि अवकल समीकरण निम्न लिखित 2 प्रकार की होते हैं। अवकल समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, नंबर एक होता है साधारण अवकल समीकरण।
साधारण अवकल समीकरण, और दूसरा होता है, दूसरा है आंशिक आंशिक अवकल समीकरण। तो अब यहां पर बात करेंगे हम अब यहां पर बात करेंगे कि साधारण अवकल समीकरण क्या होता है। साधारण साधारण अवकल समीकरण कि साधारण अवकल समीकरण होता क्या है। तो कहते हैं वे समीकरण, परिभाषा अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि वे समीकरण जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर होता है, वे समीकरण जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर होता है साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं, साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। बहुत कायदे से देखना है कि वे समीकरण जिनमें केवल और केवल एक स्वतंत्र चर होता है साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे लिखा हो एक स्वतंत्र चर, मतलब एक ही पद होना चाहिए, जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x बराबर वाई, तो इसमें एक ही स्वतंत्र पद है जो है x, ये स्वतंत्र पद है, एक ही तो पद है, क्लियर हुआ, ये एक स्वतंत्र पद हुआ। तो ऐसे ही जैसे एक और उदाहरण लिखे इसका कि टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x बराबर 0, तो ये एक साधारण अवकल समीकरण है, क्लियर हुआ, नोट करते रहिए। उसके बाद बात करेंगे आंशिक अवकल समीकरण की, कि आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है। आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण, तो कहते हैं कि वे अवकल समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं वे अवकल समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं और उनमें किसी के भी सापेक्ष और उनमें किसी के भी सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक होते हैं आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं,
आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे कहा गया है, बहुत कायदे से देखना है यहाँ पर, बहुत कायदे से ध्यान देना जरा। जैसे कहा गया, वे अवकल समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं और उनमें किसी के भी सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक होते हैं, आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल एक ले लें कि x इंटू डी यू अपान डी एक्स, तो एक x ले लिया, एक u ले लिया, एक y कर लेते हैं इसमें, प्लस थ्री इंटू डी यू अपान डी वाई। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक x भी है ना, ये स्वतंत्र पद है, एक y खुद स्वतंत्र पद है, एक y जो है वो खुद स्वतंत्र पद है, x इंटू वाई ऐसे लिख दें। तो स्वतंत्र पद इस वजह से है क्योंकि y जो है वो u, इसमें जो du है, du लिखा हुआ, du अपॉन dy, मतलब u जो है वो y के अधीन है, मतलब u जो है वो y के सापेक्ष परतंत्र है, वैसे ही u जो है वो x के सापेक्ष परतंत्र है। तो कहने का मतलब x और y दो स्वतंत्र पद यहां पर हो गए हैं, तो और ये जो u है यहां पर वो परतंत्र स्वर है, चर है। तो और सिंपल, इस ऐसे समीकरण को कहेंगे आंशिक अवकल समीकरण, मतलब जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र पद हों और किसी एक पद के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक हो, अवकल आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो ये हुआ आंशिक अवकल समीकरण। तो अब यहाँ पर लेकिन अब समस्या ये है कि अब इस चैप्टर में जो हम जो हमारे यहाँ पर कोर्स है उसमें हम केवल ये जो साधारण अवकल समीकरण शब्द कहा गया है, समीकरण कही गई, साधारण अवकल समीकरण को ही पढ़ेंगे, बाकी आंशिक अवकल समीकरण आपके कोर्स में नहीं है, तो आंशिक अवकल समीकरण के बारे में बात नहीं की जाएगी। क्लियर हुआ, नोट करते रहें, केवल साधारण अवकल समीकरण ही पढ़ना है, आंशिक अवकल समीकरण नहीं पढ़ना है। तो कहते भी हैं ये मेहनत तो करनी है, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। कहते कामयाब लोग अपने फैसले से, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। तो अपना फैसला न बदलिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये मान के चलिए ये 10 करीब 14 से 15 नंबर की आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली चैप्टर्स है, तो इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर में से जरूर आपसे पूछा जाता है, एक 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी कभी एक आध एक या दो नंबर बहुविकल्पी में या अति लघु उत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछ लेते हैं, कभी कोट ही पूछ लेते हैं, कभी उसकी घात पूछ ली जाती है। तो अब हम यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि अवकल समीकरण होता क्या है, अवकल समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे दो प्रकार के कि साधारण अवकल समीकरण और दूसरा है आंशिक अवकल समीकरण। तो अपन ये जो हमारा कोर्स है इसमें जो अवकल समीकरण जो चैप्टर है उसमें हम केवल साधारण अवकल समीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे, न कि आंशिक अवकल समीकरण के बारे में, क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, केवल साधारण अवकल समीकरण है तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न उठता है कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, तो अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, कहते हैं किसी अवकल समीकरण में, परिभाषा के रूप में लिख लीजिए, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के उच्चतम कोटि की
उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि अवकलज की कोटि किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। मतलब इससे ये समझ लीजिए कि जैसे आपने अवकलन में पढ़ा था उसमें क्या देता था, तो द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए या दो बार अवकलन कीजिए या तीन बार अवकलन कीजिए, तो उसमें आपने देखा होगा जैसे यहाँ लिखा होता था, या सिंपल एक क्वेश्चन अवकलन से लेते हैं, जैसे लिखा होता था वाई बराबर लिखा हो एक्स की घात तीन, हमें अवकलन करना पड़े एक्स के सापेक्ष, तो लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर तीन एक्स स्क्वायर, एक बार फिर से अवकलन करें तो फिर लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा तीन दुना छः एक्स, फिर एक बार अवकलन करें तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब बराबर छः, फिर एक बार कर दें तो डी की घात चार वाई बटा डी एक्स की घात चार बराबर जीरो। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये एक कोटि है, ये दो कोटि है, ये तीन कोटि है और ये चार कोटि है। कहने का मतलब इसकी कोटि जो है कोटि इसकी होगी एक, इसकी होगी दो, इसकी होगी तीन और इसकी होगी चार। मतलब इतना समझिए कि जितनी बार किसी समीकरण का कितनी बार अवकलन किया गया वो उसकी कोटि कहलाती है। तो जो सबसे बड़ी कोटि होगी वो अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। जैसे सिंपल से एक बात करें कि जैसे ये दो तीन चीजें एक में मिला दी जाएं और कहा जाए कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई बराबर जीरो, इस तरीके से लिखा जाए और कहा जाए इसकी कोटि क्या है, तो सबसे ज्यादा कोटि किसकी आई, ये वाला पद देखिए, ये तो खुद एक पद है अपने आप में जो समीकरण से होगा, और पहली बार जब अवकलन हुआ इसका तो ये आया, फिर दूसरी बार अवकलन करने से ये आया। तो सबसे बड़ी कोटि मतलब ये पद कब आएगा, ये पद तब आएगा जब हम समीकरण का दो बार अवकलन करेंगे, तो इसकी कोटि क्या होगी, दो। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करते हैं। कहते हैं किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि, उच्चतम कोटि से मतलब कितनी बार उसका अवकलन हुआ, किसका अवकलन, जो परतंत्र चर है किसके सापेक्ष, तो यक्ष के सापेक्ष, मतलब परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष कितनी बार अवकलन हुआ, जितनी बार अवकलन होगा वो उसकी कोटि कहलाएगी। क्लियर हुआ? तो इसे कहते हैं अवकल समीकरण की कोटि। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात, तो अवकल समीकरण की घात क्या होगी, तो कहते किसी चेंज करने कहते किसी अवकल समीकरण में किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की उच्चतम कोटि की अवकलज की घात उस अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। मतलब ये हुआ कि जो उच्चतम कोटि, पहले तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उस अवकल समीकरण की कोटि क्या है, तो आप जब कोटि जान जाएंगे कि इसके सबसे बड़ी जो इसमें कितनी बार अवकलन हुआ तो उसे कहते हैं कोटि, और उस कोटि पर जितनी घात लगी होगी वो अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट है
नोट पॉइंट ये है, एक पॉइंट इसमें बहुत कायदे से नोट करना है ये कि जो यहाँ पे इसमें जो आता है अवकल गुणांक है ना, तो अवकल गुणांक अवकल गुणांक भिन्नात्मक घातों तथा करणी चिन्ह जानते हैं, जैसे वर्गमूल है, घनमूल का चिन्ह है, करणी चिन्हों से स्वतंत्र होना चाहिए, से स्वतंत्र होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जो आपका अवकल गुणांक है, अवकल गुणांक से मतलब जिसे हम डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या फिर डी की घात तीन वाई बाई डी एक्स की घात तीन या इसी प्रकार से डी की घात चार वाई वाई डी एक्स की घात चार या डट डट और छोड़ दें, तो इस प्रकार से जितने भी ये अवकल गुणांक हैं इसमें अवकल गुणांक इनकी जो घात है, इनकी जो घात होगी वो भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी घात होगी वो सब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और इसे कहेंगे अवकल गुणांक की घात। या दूसरी चीज ये है कि इनके ऊपर कोई भी करणी चिन्ह इस तरीके से नहीं लगे होने चाहिए, क्लियर हुआ ना, इस तरीके से कोई भी चिन्ह नहीं लगा होना चाहिए। और इसके साथ ये त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ भी नहीं लिखे होने चाहिए, ये भी होता है। तो फिलहाल ऐसे जब भी इस तरीके से जब भी कोई आ जाएगा अवकल गुणांक जिसमें जो भी जैसे करणी चिन्ह लगा हो या उसकी घात एक बटा समथिंग ऐसे लिखी हो या कुछ भिन्नात्मक घात हो, तो ऐसे अवकल समीकरण की घात नहीं निकाली जाएगी। अवकल समीकरण की घात आप जान गए होंगे कैसे निकालते हैं, कहते हैं किसी अवकल समीकरण में जो उच्चतम कोटि के अवकलज है उसकी घात को उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं, क्लियर हुआ। तो ये हो गया अवकल समीकरण की घात। अब इसके आधारित कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। ये तो केवल एक भूमिका थी कि आपको ये जानना कि अवकल समीकरण आखिरकार है क्या, उसमें होता क्या है, तो उसके बारे में था। यहाँ पर पहले अवकल समीकरण की घात और कोटि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया निम्न अवकल समीकरण की कोटि और घात बताइए, निम्न अवकल समीकरण की कोटि और घात बताइए, ये क्वेश्चन दिया गया है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे लिखा हुआ है पहला नंबर डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स बराबर जीरो। उसके बाद दूसरा है, दूसरा समीकरण दिया गया है एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की घात दो और माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर दो। उसके बाद दिया गया है तीसरे नंबर पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर जीरो, और अगला दिया गया है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स की घात चार और प्लस तीन एक्स बराबर जीरो, और एक लास्ट ले लेते हैं, लास्ट हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर चतुर्थ मूल लगा हुआ है एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स की घात दो। इस तरीके से क्वेश्चंस हैं और इसमें कहा गया अवकल समीकरण की घात
और कोटि बताइए। तो आपके पास हम कुछ समय दे रहे हैं, तो आप इसको आप हल करके तुरंत कमेंट करिए कि कैसे होगा। 2 मिनट का केवल समय है, फटाफट करिए इसके, और आंसर बताना है आपको कि क्या होगा इसका। कोटि और घात ही बतानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। हाँ जल्दी करिए, कमेंट करके तुरंत बताइए कि क्या होगा। नहीं तो हम बता तो रहे ही हैं, हम बता देंगे, हम बता दे रहे हैं। तो इसमें बताया गया डी वाई बाई डी एक्स पहला है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स, और उसके बाद है एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ वर्क माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2, दूसरा हो गया क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, क्लियर हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की घात 4 प्लस 3 एक्स, ये चौथा क्वेश्चन है, क्लियर हुआ। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर चतुर्थ मूल है एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ वर्ग, क्लियर। इन सबकी कोटि और घात बतानी है, कमेंट करके बताइए। तो हम बता देते हैं इसे, तो इधर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ कोटि लिख लें और एक तरफ घात लिखते हैं, क्लियर हुआ। तो नंबर डाले दे रहे हैं, समझ लेना है। यहाँ पर ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा और ये पांचवा, क्लियर। तो इनकी हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं कोटि और घात, तो आप इसे यहाँ से आंसर कर लीजिए। तो पहले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए जरा, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर कितनी बार अवकलन हुआ, चूंकि डी वाई बाई डी एक्स आया, यहाँ डी के ऊपर कितनी घात आ रही है, एक, तो इसकी कोटि क्या होगी, एक। और इस पद पर कितनी घात है, इस पर अगर घात मानी जाए तो कितनी होगी, इसके ऊपर घात कितनी होगी, एक ही मानोगे, तो घात हुई एक। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ वर्ग और माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2, तो इसमें कहा गया कोटि और घात बताइए। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि सबसे बड़ी उच्चतम कोटि कौन सी है अवकलज की, तो उच्चतम कोटि देखिए यहां पर डी वाई बाई डी एक्स ही है ना, यहां पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन यहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है, मतलब इसमें इसको लाने के लिए दो बार अवकलन हुआ है, दो बार अवकलन हुआ है, मतलब इसकी कोटि कितनी होगी, 2, क्लियर हुआ। और सबसे पहले इसमें बताया गया था घात कैसे निकालते हैं, कहा गया था उच्चतम उच्चतम कोटि का जो अवकलज होगा उसकी घात को घात बोलते हैं अवकल समीकरण की। तो इस पर कितनी घात है, अब ध्यान दीजिए इसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है, इसके ऊपर कोई घात नहीं, एक लगी हुई है, जब कोई घात नहीं है तो एक ही मानोगे, तो इसकी घात हो जाएगी 1। वैसे ही अगले पॉइंट पे आइए, तो यहां पर कितनी बार अवकलन हुआ, क्योंकि यहां पर देखिए डी के ऊपर 2 घात दिखाई दे रही होगी, तो जितनी घात दिखाई देगी यही घात मानी जाएगी, इसी नहीं कोटि होगी, तो इसमें 2 बार अवकलन हुआ तो मतलब कोटि हो जाएगी 2। तो यहां पर देखिए 2 कोटि है इसकी, क्योंकि इस पर घात कितनी है, आप देख रहे हो इसकी घात, इस पर कोई घात नहीं है, एक मानोगे तो इसकी घात हो जाएगी 1। चौथे क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर डी वाई बाई डी एक्स ये 1 बार अवकलन करने से आता है, ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 3 बार अवकलन करने से हुआ होगा, 3 बार जब अवकलन हुआ तो मतलब इसकी कोटि कितनी हुई, तो 3 हो गई कोटि। और इस पर घात कितनी लगी हुई है, इस पर भी कोई घात नहीं है, एक ही मानोगे तो यहां पर 1 घात हो जाएगी। वैसे यहां पर जरा ध्यान देने वाली चीज है यहां पर, तो सबसे पहले तो कोटि ज्ञात कर लेते हैं, कोटि देख लीजिए यहां पर डी वाई बाई डी एक्स है, एक इसकी कोटि है, यहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है, यहां पर 2 आ रहा है तो इसकी कोटि होगी 2। अब समस्या है घात की, तो अगर हम जैसे जब रूट लगा होता है, जब करनी चाहिए यहां पर मान लेते हैं 2 लगा होता तो इसका हम वर्ग करते तो ये रूट हट जाता है, इस पर 2 घात लगती, लेकिन यहां पर चतुर्थ मूल लगा है, चतुर्थ मूल का मतलब इस पद की जो घात है
इस पद की घात वो है 1/4, क्लियर हुआ। और जब हम इस घात को इस पक्षांतर करेंगे तो यहां पर 4 घात लगेगी आगे, तो सबसे बड़ी जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उस पर घात है 4, तो इस समीकरण की जो घात होगी वो होगी 4। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, धन्यवाद क्लास।